हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो स्वागत करते हैं आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम आपको दिखाने वाले गंगा आरती दशाश्वमेध घाट का, और एक्सप्लोर करने वाले भी हैं घाट को। तो ये है मेरे साथ मनीष भाई, जो मेरे साथ पूरे ब्लॉग में रहेंगे। तो अभी हम हैं बदौलिया पार्किंग पे, तो दिखाते हैं आपको पार्किंग कैसा है। ये देखिए कैसा है पार्किंग का नज़ारा। सिर्फ टू व्हीलर यहाँ पे पार्क हो सकता है, फोर व्हीलर के लिए नहीं है ये। और फ्रेंड्स, यहाँ का क्या रूल है कि आप 3 घंटे के लिए पार्क करोगे तो 20 रुपये लगेगा। उसके बाद जितना भी घंटा बढ़ेगा, हर घंटे के हिसाब से 10 रुपये बढ़ता जाएगा। तो भी देखिए, अभी इधर से लिफ्ट से गाड़ी आती है ऊपर, और इस वाले लिफ्ट से भी हम लोग चलेंगे नीचे। इधर इधर सीढ़ी से नहीं, लिफ्ट से चलते हैं। ये था फ्रेंड्स पार्किंग, यहाँ पे लोग गाड़ी खड़ा किए हैं। तो अभी इस रास्ते से चलेंगे हम लोग घाट के तरफ, चलते हैं घाट की तरफ। और ये पता है बहुत अच्छा, मतलब दुकान उकान है यहाँ पे, शॉपिंग भी कर सकते हो आप। तो आपको दिखाते चलेंगे पूरा नज़ारा कैसा है क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब है दुकान है, कपड़ों का, गहनों का दुकान है। बहुत बढ़िया बढ़िया दुकान है, सही रेट में मिल जाएगा आपको। तो मनीष भाई, कैसा लग रहा है आप गंगा घाट की आरती देखने जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट का? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत दिन बाद ऐसा समाज प्राप्त हुआ है, मेरे को अच्छा लगा। ऐसे आने की बना रहा है, अभी बहुत भीड़ भी हो रहा है क्या गंगा आरती में? बहुत बाहर के बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत टाइम लगा पानी में। बाबा के दर्शन किसी और दिन करेंगे, अभी फिलहाल गंगा आरती देखेंगे हम लोग, घाट को एक्सप्लोर करेंगे। और हो सकेगा तो फॉरेनर से बात भी कर लेंगे हम लोग, काशी अपना बनारस अपना महादेव। तो फ्रेंड्स, अभी दिखा रहे हैं आपको विश्वनाथ गली, यहाँ से भी विश्वनाथ जी का रास्ता जाता है, यहाँ से भी जाके आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ से भी आप जा सकते हो बाबा के दर्शन करने, लेकिन हम लोग को चलना है अभी गंगा आरती देखने, तो लोग सीधा जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि दशाश्वमेध का दो घाट है, एक पुराना वाला घाट है, एक नया वाला घाट। तो हम लोग दोनों एक्सप्लोर करेंगे, पहले नए गाले वाले घाट पे जाएंगे, उसके बाद पुराने वाले घाट पे जाएंगे। दोनों पे बहुत भीड़ रहता है, ऐसे नए वाला पे तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहता है। फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ पे है दशाश्वमेध भवन, और ये मुंबई उडुपी रेस्टोरेंट है। मुंबई की क्या है ये देखिए दशाश्वमेध भवन, मुंबई उडुपी रेस्टोरेंट है नाम है। हाँ, तो अभी चलेंगे इधर हम लोग गंगा आरती। ऐसे गंगा आरती अभी नहीं स्टार्ट हुआ होगा, अभी गंगा आरती स्टार्ट होने में टाइम है, तो हम लोग वेट कर लेंगे। ये देखिए ऐसा कुछ नज़ारा है, गंगा जी अभी बढ़ी थी, फिर थोड़ा कम हो गई है फिर से। फ्रेंड्स, अभी कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है गंगा आरती। ये दशाश्वमेध घाट का नजारा, बहुत भीड़ है भाई, बहुत। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, शंकर भगवान को यहाँ पे सजाया जा रहा है, अभी तैयारी की जा रही है आरती की, देख सकते हैं आप लोग। Hare 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 Hare
चेंज है 10 रुपया, मेरे पास 100 का नोट है, तो आप भी करवा लीजिए, दे दीजिए डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये त्रिशूल वाला टीका बहुत अच्छा लगता है देखने में, देखिए।
दे दीजिए पैसा, मेरा भी दे दीजिएगा। ₹10 दे दीजिए मेरा भी। हाँ, ₹10 मेरा भी दे दीजिए। एक्चुअली मेरे पास चेंज नहीं, तो भाई मेरे से कभी दे रहा है, दे दीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आप काम को दे देंगे बाद में। फ्रेंड्स, शंख बजाने के साथ आरती शुरू हुई थी और शंख बजाने से ही खत्म हुई, और बहुत लंबा शंख बजाते हैं हम लोग, से पॉसिबल ही नहीं है इतना लंबा शंख बजाना। तो फ्रेंड, गंगा आरती के टाइम मुझे कुछ पोलैंड के लोग मिले थे, उनसे मैंने बात की, ध्यान देंगे मैंने पहले सोचा था कि वो रशियन है, अच्छा लगा उनसे बात करके। ये नजारा है, आज देखो सब लोग जा रहे हैं, चलते हम लोग भी थोड़ा घाट पे। तो अभी अभी गाइस, हम लोग अभी तक नए वाले घाट पे थे, तो अभी जा रहे हैं पुराने घाट की तरफ। देखिए पुराना घाट उस साइड है, उधर है पुराना दशाश्वमेध घाट, और ये है नया वाला। तो अभी हम लोग उधर की ओर जा रहे हैं। देखिए कितना भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ होता है गाइस। अभी तो संडे नहीं है आज, फिर भी इतना भीड़ होता है। संडे का दिन तो और ज्यादा भीड़ होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा भीड़ होता है। आज भी बहुत भीड़ था, और पता है गर्मी, भीड़ के कारण से गर्मी बहुत बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा फेस पे पसीना भी था। ऐसा कुछ नजारा आएगा। तो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग दशाश्वमेध पुराने काले घाट पे, पुराना वाला घाट है। यहाँ भी आरती हो रही थी, लेकिन हम लोग नए वाले घाट पे थे, यहाँ भी आरती हो रही थी, यहाँ भी खत्म हो चुकी है। घंटी बज रही है, घंटी का बहुत शोर आ रहा होगा आप लोगों। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ रहे थे दशाश्वमेध के घाट से 80 घाट की तरफ, थोड़ी दूर पे। यहाँ पे बहुत लेमन टी अच्छा, इधर ही कहीं पे लेमन टी बहुत अच्छा बनाता था, लेकिन अभी ना पानी ज्यादा होने के कारण से मिट्टी आ गई है, तो दुकान वो बंद है अभी। वो बोल रहे थे एक लोग कि 10-15 दिन बाद से खुलेगा वो। उसका टेस्ट पता है लेमन टी का बहुत अच्छा रहता था, इसलिए मैं इधर आया पीने के लिए। अब दुकान ही बंद है, तो शायद ही पी पाऊंगा। देखता हूँ, उधर ट्राई करता हूँ, अगर अच्छा लगेगा कुछ तो पीऊंगा, नहीं तो फिर कुछ खा के फिर चलेंगे घर हम लोग। तो चलते हैं। ये कुछ फॉरेनर्स भी आ रहे हैं सामने से। डिड यू एंजॉय द गंगा आरती? Do you like India? Amazing. Thank you for coming India. Where are you from? England. Oh, that's it. Yeah, I'm blogger, bro. Oh, no, I'm Mohammedan. Thank you. I will go next year, London. Oh, so London. Yeah. Have fun. Let's say Varanasi, we were just talking, Varanasi. Yeah. Maybe the best city on earth. Yeah. Yeah, thank you. Many places, man. Varanasi is incredible. It's my hometown. This is your hometown. Yeah. You have a beautiful hometown. Man. Yeah, thank you. But in Europe, the best country is Bosnia and Herzegovina. It's the most beautiful country. Okay. Everyone's very friendly. Okay. And how's the Germany? And Germany, very good country. So I like Germany. Definitely go to Bosnia. Yeah. And I like too much Luxembourg.
Luxembourg. Yeah. A friend's family lived there. Oh, Luxembourg is a very good city. Very good. Okay, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you, man. Thank you. Do you like YouTube? Yeah. Oh, I'm a YouTube blogger. What's your YouTube channel? Let's connect. It's a new channel. New channel? Yeah. And I'm also on Instagram. You can follow me on Instagram. And friends, हम लोग नए वाले घाट की तरफ से आए थे और पुराने वाले घाट की तरफ से वापस जा रहे हैं पार्किंग की तरफ. देखते हैं रास्ते में कुछ मिलेगा खाने लायक. हम लोग खाते हुए चलेंगे. बाइक उठा के सीधा तो दुकान दिख रहा है कहीं पे. ये है इधर चाट का दुकान. पाव भाजी बर्गर वगैरह है. आलू टिक्की है. खाएंगे क्या खाएंगे बताइए. ये चाट है 30-30 रुपए का. ये चाट मिला है और वो पानी ने दो गमलों लिए है. देखते हैं खाके कैसा है. तो फ्रेंड्स आ चुके हम लोग पार्किंग में. अब यहाँ से गाड़ी उठाएंगे और सीधा चलेंगे घर. मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तो फिर से आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में. तो तब तक के लिए गुड नाइट. थैंक यू.